हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य किड में आप सबका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम जो है गवर्नमेंट कॉलेज देखेंगे, ठीक है। बहुत ये सूची में तो बहुत सारा कॉलेज है, लेकिन जो डीएड का गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, जो गवर्नमेंट चलाती है, उसका जो है डिटेल देखेंगे साथियों। और इसी में जो है आपको क्या करना है, ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद अपना आवंटन करवाना है। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला है रायपुर, ठीक है। रायपुर शासकीय कॉलेज है और यहाँ पर 100 सीट है, ठीक है फ्रेंड्स। फीस की बात करें तो 3000 है। उसी तरह आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उसी तरह जो है बेमेतरा ज़िला में एक शासकीय कॉलेज है, ठीक है, यहाँ भी 100 सीट है। उसी तरह आगे देखते हैं। देखिए आपका यहाँ पर जो है 2 शासकीय कॉलेज है। देखिए देखिए राजनांदगांव ज़िला में, राजनांदगांव ज़िला की बात करते हैं, 2 शासकीय कॉलेज है साथियों। एक खैरागढ़ में है, ठीक है ना, और एक जो है डोंगरगांव में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अपना नज़दीकी देख लीजिए, आपके नज़दीक में जो कॉलेज है वहाँ आप अप्लाई करिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे और देखते हैं। उसी तरह देखिए फ्रेंड्स, कबीरधाम, कबीरधाम में एक जो है शासकीय डीएड कॉलेज है और बिलासपुर में भी एक जो है शासकीय डीएड कॉलेज है। यहाँ पर ये सीट का संख्या साथियों, इतने सीट है यहाँ पर, ठीक है। कबीरधाम में 100 सीट है और बिलासपुर में एक बिलासपुर ही ऐसा कॉलेज है, शासकीय कॉलेज, जहाँ 50 सीट है। बाकी सब जगह जो है 100-100 सीट है साथियों, क्लियर बता रहा हूँ मैं, सब जगह 100-100 सीट है। बिलासपुर ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर क्या है, एक ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर 50 सीट है। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह देखिए साथियों, गौरेला पेंड्रा मारवाही, यहाँ पर जो शासकीय कॉलेज है, ठीक है, यहाँ भी 100 सीट है। उसी तरह आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जांजगीर चांपा में भी शासकीय कॉलेज है साथियों, यहाँ भी 100 सीट है। देखिए फ्रेंड्स आगे, यहाँ देखिए कोरबा में जो है शासकीय कॉलेज है, रायगढ़ में भी है शासकीय कॉलेज। उसी तरह से आगे कोरिया में शासकीय कॉलेज है साथियों। उसी तरह जसपुर में भी शासकीय कॉलेज है। तो आप अपने नज़दीक का जो है शासकीय कॉलेज जो है देख लीजिए आप। उसी तरह आगे देखिए फ्रेंड्स, देखिए अंबिकापुर में भी एक शासकीय कॉलेज है, महासमुंद में एक शासकीय कॉलेज है। उसी तरह देखिए धमतरी में एक शासकीय कॉलेज है, कांकेर में भी एक शासकीय कॉलेज है, बस्तर में भी एक शासकीय कॉलेज है साथियों। आगे और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दंतेवाड़ा में भी एक शासकीय कॉलेज है। तो देखिए साथियों, टोटल जो है शासकीय कॉलेज हैं और यहाँ पर टोटल जो है 17 जो है शासकीय कॉलेज हैं, और टोटल सीट की बात करें साथियों तो 1650 सीट है, ठीक है। क्यों 50 सीट है, 1650 सीट? तो इसका कारण है, बिलासपुर में जो है सिर्फ 50 सीट है, बाकी जगह 100-100 सीट है, तो 1650 सीट है साथियों, ठीक है। और अगर कैटेगरी वाइज बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज छत्तीसगढ़ में टोटल कितना सीट आएगा, तो उस पर भी मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, कैटेगरी वाइज और आरक्षण के अनुसार, ठीक है, कैटेगरी वाइज भी और आरक्षण के अनुसार जो है आपको, देखिए जनरल के लिए आपका 589 सीट है, एससी के लिए लगभग 200 सीट है, एसटी के लिए 631 और ओबीसी के लिए जो है 231 सीट है। शासकीय कॉलेज में साथियों आरक्षण के आधार पर मैं बता रहा हूँ, मैं आरक्षण के आधार पर कुछ इस तरह से जो है सीटों का आवंटन किया गया है। तो इस तरह से जो है साथियों 1650 जो है सीट है शासकीय कॉलेज में, ठीक है फ्रेंड्स। शासकीय कॉलेज का ये पूरा लिस्ट है, आप जिनका भी रैंक अच्छा है वो शासकीय कॉलेज को पहली, सॉरी जिनका भी नंबर अच्छा है वो पहली प्राथमिकता शासकीय कॉलेज को दीजिए, बहुत ही कम फीस में आपका बीएड हो जाएगा। जानकारी आपको कैसी लगी साथियों, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।